ओम शांति। आज की शिक्षाप्रद कहानी का नाम है खोदा पहाड़ निकला चूहा। कहते हैं एक किसान था, उसे बहुत बड़ी खेती थी। रोज खेती में काम करता था। खेती के बीचों बीच एक पत्थर का हिस्सा जमीन के अंदर से निकला हुआ था। किसान बहुत बार उस पत्थर से ठोकर खा चुका था, गिर चुका था। कई बार उसके औजार भी टूट गए थे। एक बार किसान हल चला रहा था खेत में, और प्रतिदिन की तरह हल भी जाकर के उस पत्थर से टकराया और टूट गया। किसान को अब बहुत जोर से गुस्सा आया। उसने तो बस मन में ठान लिया कि मेरे खेत में जो ये चट्टान दबी हुई है ना, इसको मैं निकाल करके फेंक दूंगा। वो गांव गया, तीन चार लोगों को उठाकर ले आया और लोगों को पत्थर के सामने खड़ा करके और सबको बताया, देखो मेरे खेत में जो ये चट्टान दबी हुई है ना, इसने मेरा बहुत नुकसान किया है, इसे उखाड़ना है। ऐसे कहकर कुसार ने फुहाड़ा उठाया, अभी दो तीन बार पत्थर के एक कोने में लगाया न लगाया, वो एक छोटा सा पत्थर जमीन से बाहर निकल आया। गांव वाले देखकर अचरज में पड़ गए। एक व्यक्ति ने तो हंस करके कहा कि अरे तू तो कहता था चट्टान दबी हुई है, ये तो एक छोटा सा पत्थर है। किसान भी देखकर शर्मिंदा हो गया। उसे ये गलती महसूस हुई कि अगर मैं थोड़ा सा पहले ये मेहनत करता था तो आज मुझे इतना नुकसान सहन नहीं करना पड़ता था। कहानी से हमें ये बोध प्राप्त होता है कि हमारे जीवन के अंदर भी ऐसी कई छोटी छोटी बाधाएं आती है जिनको हम बहुत बड़ा रूप दे देते हैं चट्टान की तरह, और स्वयं ही तकलीफ में आ जाते हैं। जरूरत इस बात की है कि जो भी बात सामने आती है, चाहे वो चट्टान जैसी क्यों ना हो, हम डट करके उनका सामना करें, ताकि चट्टान जैसी समस्या भी एक छोटे पत्थर के समान हम उसको ठोकर मार करके साइड में कर सके, तोड़ सके, समस्या को सुलझा सके और जीवन के अंदर आगे बढ़ सके। ओम शांति।